हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू कुकिंग विद रूपाली। दोस्तों, हम इंडियंस को ना एक चीज़ बहुत पसंद है स्ट्रीट फूड में से, आप ज़रा गेस कीजिए। करेक्ट गेस किया, वो है पानी पूरी। भाई बाकियों का तो पता नहीं, पर मुझे पानी पूरी दिल खोल के पसंद है। अगर कोई रात को भी बोले ना, चलो 2 बजे है, पानी पूरी खाने के लिए जाते हैं, मैं फटाफट से तैयार होकर पानी पूरी खाने के लिए दौड़ती हुई चली जाऊँगी। पर क्या है ना, ठेले वाले रात को 2 बजे तक मेरे जैसे लोगों के लिए इंतज़ार तो नहीं करेंगे, है ना। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ लेके आई हूँ जो बहुत ही साफ सुथरी तो है, उसी के साथ आप चाहे रात को 2 बजे, 3 बजे या जब चाहे तब उसे एंजॉय कर सकते हो। और आजकल तो आप सभी को पता ही होगा, पानी पूरी वाले भैया ना पानी बिल्कुल भी साफ़ सुथरा इस्तेमाल नहीं करते। इससे क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं, पर हम हमारे इमोशंस पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। भाई पानी पूरी खाने का मन तो करता है, पर वो गंदगी देख के ना ऐसा लगता है, नहीं खाए वही बेटर होगा। और उसी के साथ आजकल तो मिठाई की जो शॉप्स रहती है ना, स्वीट की दुकान, वहाँ पे भी पानी पूरी मिलना बहुत ही आसान हो गया है। वहाँ पे थोड़ा बहुत तो हाइजीन मेंटेन होता है, पर आज मैं आपके लिए ऐसा प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो बहुत टेस्टी है, हाइजीन भी मेंटेन करता है, और जब चाहे तब हम उसे खोल के खा सकते हैं बस 5 मिनट में। तो फिर चलिए देखते हैं वो क्या चीज़ है। वो है हल्दीराम की पानी पूरी। जी हाँ, ये मैं लेके आई हूँ यहाँ के एक इंडियन सुपरमार्केट से, जो ओमानी रियाल में मुझे पड़ी है 1.450 ओमानी रियाल्स, यानी कि इंडिया के हमारे हो जाते हैं लगभग 261 रुपीस। पर हाँ, आपको इंडिया में ये इतनी महंगी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाएगी अराउंड 120-125 रुपीस में। बहुत ही अच्छा डील है। तो इस पैकेट में इन्होंने प्रोवाइड की है हमें 30 पूरी, उसी के साथ उन्होंने दिया है तीखा वाला पानी, मैंगो चटनी और खारी बूंदी। तो फिर चलिए फटाफट बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। भाई मुझे तो ऐसा हो रहा है, कब मैं ये फटाफट से बॉक्स खोलूं और आपको टेस्ट करके बताऊं, बिल्कुल भी वेट करने का मन नहीं कर रहा। तो देखिए, ये है हमारा पानी पूरी का पैकेट, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 30 पूरी, बूंदी है, पानी पूरी की पेस्ट है यानी कि तीखा पानी, और मैंगो सॉस है यानी कि मैंगो चटनी। अब यहाँ पे भी उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे फ्रंट में भी इवन लिखा हुआ है, देखिए उन्होंने कहा है कि 900 ml वाटर है, तो वो आप लें, और जो हमारा पानी पूरी का तीखा पानी है ना वो उसमें डाइल्यूट करें और सोक करें बूंदी हल्के से लुक वार्म वाटर में, यानी कि गुनगुने पानी में, और फिर जो ज़्यादा पानी बचेगा ना उसको हम ड्रेन कर लेंगे। तो फिर चलिए फटाफट पैकेट को खोलते हैं। तो यहाँ पे लगा हुआ है ये टेप, उसे हटा देते हैं और पानी पूरी को खोलते हैं, और कुछ है क्या? जी नहीं, पूरा खाली हो गया है। वाओ, ज़रा पैकिंग तो देखिए, शायद से इसमें पूरी है हमारी। जी हाँ, इसमें है बूंदी और इसमें है सारी चटनियाँ। तो गाइस ज़रा पैकिंग तो देखिए, कितनी बढ़िया टाइप से पैकिंग की है उन्होंने, और देख के कितना अच्छा लग रहा है ना। तो फिर चलिए समय ना गवाए, फटाफट हम इसे खोल देते हैं और देखते हैं कि अंदर कैसा है। वाओ, ज़रा देखिए, एक भी पानी पूरी को हमारे क्रैक नहीं गया है ना। पूरियाँ कितनी बढ़िया से सही सलामत है इसकी वजह से, है ना। इससे क्या होता है, ये सारी पूड़ियाँ बहुत ही बढ़िया से सेफ़ रहती हैं, और ट्रैवलिंग में या फिर वो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो होता है ना, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो फिर चलिए, अब इसमें क्या है, इसमें शायद से खारी बूंदी है, तो एक बार देख लेते हैं। वाओ, देखिए तो ज़रा कितनी करारी है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बाउल्स जो है निकाल के रखे हैं, उसमें ये डाल लेते हैं। सारी चीज़ें ना मैंने पहले से ही रेडी करके रखी है ताकि हमें बिल्कुल भी देरी ना हो। अब इसमें क्या है देखते हैं, स्पाइस मैंगो सॉस यानी कि मैंगो की चटनी है। चलिए इसे भी खोल देते हैं। इसके लिए भी मैंने यहाँ पे जो है एक बाउल लिया है, इसमें डाल लेते हैं। ज़रा पूरियों को ना हमारे संभाल के यहाँ पर रखते हैं। और हाँ दोस्तों, जो पानी लेना वो ज़रा चिल्ड ले, आजकल हमारे यहाँ पे बहुत ऐसा मैंने देखा है कि चिल्ड पानी पूरी सर्व की जाती है ना,
वो टेस्टी भी लगती हैं। वाओ, जस्ट लुक एट दिस, सुपर्ब। थोड़ा टेस्ट करके देखिए क्या कैसे हैं। माइंड ब्लोइंग, फर्स्ट क्लास, बहुत ही टेस्टी लग रही है। अब इसके बाद देखते हैं हम ये वाला पैकेट। तो इसे जो है ना, हम डायरेक्टली ना एक जार में ही डाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें 900 ml पानी भी डालना है। ओके, तो ये है हमारी हरी पेस्ट, यानी कि हरी चटनी। भाई पानी पूरी लवर्स ही बता सकते हैं कि पानी पूरी कितनी टेस्टी होती है और ज़बरदस्त होती है। वो लोग भले कितने भी पैसे पे करें, पर वो पानी पूरी का सेटिस्फेक्शन जो है ना खाने का, वो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए अब इसमें डाल लेते हैं हम पानी। तो गाइस, मेरे पास ये एक बॉटल है जिसमें 500 ml पानी लगभग बैठ जाता है। तो मैंने यहाँ पे ना चिल्ड पानी लिया है, इसे जार में डाल लेते हैं। तो एक अंदाजे से ले लेंगे, ये हो गया 500, अब 400 बचा है, तो इसमें थोड़ा सा कम लेते हैं, है ना। बस अगर कम लगे तो बाद में भी डाल सकते हैं, है ना। और उसी के साथ हमने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा बॉइल्ड पोटैटोस। तो ये लीजिए, ये सारी चीज़ें हमारी तैयार है। अब फटाफट इसे खोलते हैं और टेस्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, एक और बात बताना रह गई कि देखिए, मैंने यहाँ पे बर्फ़ के टुकड़े लिए हैं, तो ये भी और इसमें डाल लेते हैं, ताकि ठंडी ठंडी ना पानी पूरी बहुत ही मज़ेदार और कमाल की लगेगी। ये देखिए, तो जितना चाहे उतना डालें। और फिर अब चलिए देर के इस बात की, शुरू करते हैं फटाफट पानी पूरी मिशन। तो दोस्तों, पानी पूरी की दुकान लेके मैं तो तैयार हूँ। कौन कौन आ रहा है पानी पूरी खाने के लिए? भाई फिलहाल तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। मैं खुद ही बनाऊँगी और मैं खुद ही इसे खा जाऊँगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, निकालते हैं एक पानी पूरी। वाओ, देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। अब इसे तोड़ेंगे ऐसे हाथ से, और इसमें अब हम डालेंगे सबसे पहले बॉईल किया हुआ पोटैटो, उसके बाद थोड़ी सी बूंदी डाल लेते हैं। बूंदी बहुत ज़्यादा करारी है, मैं आपको थोड़ा खा के दिखाती हूँ। बहुत अच्छी है। अब इमली का पानी है ये, सॉरी मेरे मुंह में बार बार इमली आ रहा है, एक्चुअली ये मैंगो का है। और इसे एक्चुअली एक छोटे से बाउल में निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो एक बाउल लेते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। ओके चलिए, अब ये तैयार है। प्लेट में पानी पूरी को ऐसे पकड़ेंगे, इसमें डुबोएंगे। वाओ, गाइस बहुत ज़बरदस्त है। मुझे तीखी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इमली का पानी नहीं लिया। अब इमली के पानी से ट्राई करते हैं। तो फिर चलिए अब इमली वाली भी ट्राई करते हैं। इसमें डालते हैं पोटैटो, फिर डालते हैं करारी सी बूंदी, बूंदी बहुत करारी है। अब मैंगो चटनी, और अब प्लेट में लेंगे इसे, इसमें डुबोएंगे और ये जाएगी टेस्ट में। चलिए फिर एक और टेस्ट करते हैं। ओके, अब इसमें डालेंगे आलू, उसके बाद करारी सी बूंदी, क्योंकि बूंदी भाई है ही करारी, मैंगो का पानी यानी कि चटनी। और अब हम इसमें डुबाते हैं और टेस्ट करते हैं। बहुत ही यमी दिख रही है। परफेक्ट, कमाल का कॉम्बिनेशन है गाइस। अगर आप पानी पूरी लवर हो ना, तो ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है। मैं तो रुकी नहीं पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि फटाफट सारी की सारी ख़त्म कर डालो। देखिए अभी तक तो 4-5 ख़त्म हो भी गई, फिर से एक बार देखते हैं ना। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है।
आज का ये वीडियो रिकॉर्ड करने में। इंटरेस्टिंग तो है, उसी के साथ साथ टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। वाओ, कोई कोई मीठे पानी वाले भी लवर्स रहते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। मुझे दोनों भी पसंद है, या फिर सिर्फ तीखी वाली भी। फिर से एक बार देखते हैं। मुंह में जाते ही ना सारे फ्लेवर्स बर्स्ट हो जाते हैं, यानी करारी बूंदी। उसमें ये चटनी जो है बहुत ही स्वादिष्ट है, पानी भी अच्छा है और पूरी भी बढ़िया से क्रिस्पी है। तो मेरी तरफ से हल्दीराम की इस पानी पूरी के लिए 100 लाइक्स। तो दोस्तों, आप सभी को अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन को भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। चलिए तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, सी यू एंड बाय।